बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। जी हाँ, छोटे पर्दे के जाने माने सीनियर एक्टर आशीष रॉय का आज निधन हो गया है। बता दे, आशीष की उम्र 55 साल की थी। उन्होंने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। आशीष राय काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मुंबई के जुहू हॉस्पिटल में एडमिट थे। रिपोर्ट्स की माने तो उनका निधन किडनी फेलियर की वजह से हुआ है। आशीष लंबे समय से बीमार होने के साथ साथ फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे थे। लॉकडाउन में आशीष की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। वो पाई पाई को मोहताज हो गए थे। इतना ही नहीं, इस बात की जानकारी खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक के जरिए दी थी। आशीष ने अपने पोस्ट में कहा था कि वो आईसीयू में एडमिट है और उन्हें इलाज के लिए पैसे चाहिए। उनके पास जो भी पैसे जमा थे वो खत्म हो चुके हैं और अब उनके पास हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। बता दें, आशीष ने 17 मई को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर अपनी हालत सभी को बताई थी। एक्टर ने लिखा था, मैं आईसीयू में हूँ और बहुत बीमार हूँ, डायलिसिस चल रहा है। इसके बाद अगली पोस्ट में उन्होंने डायलिसिस के लिए पैसे मांगने की गुहार लगाई थी। 19 मई को उन्होंने एक बार फिर से फेसबुक पर लिखा, मेरे डायलिसिस के लिए फंड जुटाने की अपील सच्ची है, कृपया मदद कीजिए। उसके बाद 20 मई को आशीष राय के फेसबुक अकाउंट से जानकारी दी गई कि उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के लोगों ने हॉस्पिटल का बिल पे करने में हेल्प भी की थी। हालांकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद आशीष के पास पैसे नहीं थे और इस बात का मेंशन उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर भी किया था। वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर आशीष रॉय टीवी इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता थे। उन्होंने ससुराल सिमर का, बनेगी अपनी बात, व्योमकेश बख्शी, यस बॉस, बाबू और बेबी, जिनी और जूजू और कुछ रंग प्यार के ऐसे भी जैसे पॉपुलर शोज में काम किया था।